वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर शालिनी आले आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ होम्योपैथी मेडिसिन जो कि आपको इस कोरोना संक्रमण काल से सेव करके रखेगी और आपके ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाएगी। तो दोस्तों इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन आइकॉन के साथ में, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। साथ ही लाइक और शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। दोस्तों, वर्तमान समय में कोरोना काल में बहुत से लोगों की यही समस्या है कि उनके आसपास के लोगों का उनका ऑक्सीजन लेवल दिनों दिन गिरता जा रहा है और ऑक्सीजन सप्लाई उन्हें नहीं हो पा रही है। तो इस कंडीशन में वो क्या करें, यही क्वेश्चन आए दिन मुझसे लोग बाग पूछते हैं। और कोरोना की प्रिवेंटिव मेडिसिन बताइए जो कि नॉर्मल इंसान भी ले सके। इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के तौर पर ये वीडियो मैंने आपके लिए लाई हूँ। तो इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ ही बने रहिए। दोस्तों, वर्तमान समय के वायरस में काफी भिन्नता आ गई है। आपका फेज 2 का वायरस में बहुत ज्यादा म्यूटेशन हो गया है, जिसके कारण यह बहुत ही घातक हो गया है और इसलिए यह वायरस युवाओं में और बच्चों को भी अपना शिकार बना रहा है। तो कोरोना के इलाज में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति कारगर रही है। ऐसे वक्त में जब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए त्राही त्राही मची हुई है चारों ओर और संक्रमितों का ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिर रहा है, तो इस टाइम होम्योपैथी दवा स्पाइडरमा क्यू से आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जा सकता है। और इस दवा की मेडिसिन आपको लेना है 10-10 बूंद एक दिन में 3 बार देने से ऑक्सीजन लेवल आपका 98% तक पहुंच जाएगा। और इसके साथ ही यदि आप कार्बोबेस 30 की 4-4 बूंद एक दिन में 3 बार लेते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल नीचे नहीं गिर पाएगा और ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहेगा। तो कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जो स्वस्थ व्यक्ति है वो आर्सेनिक एल्बम 30 की 5 गोली उन्हें सुबह 3 दिन तक लेना है। 1 माह के बाद पुनः आर्सेनिक एल्बम 30 की या मेडिसिन को यही प्रक्रिया को दोहराना है। संक्रमित लोग कैम्फोरा क्यू अपने बिस्तर में कैम्फोरा क्यू दवा का छिड़काव कर सकते हैं, जिसके कारण उन्हें कोरोना से बचाव में लाभ प्राप्त होगा। और दोस्तों, संक्रमित व्यक्ति को सुबह आर्सेनिक एल्बम 200 की 5-5 गोली प्रतिदिन लेना है और ब्रायनिया 200 की 5-5 गोली प्रतिदिन सुबह लेना है, कैम्फोरा 200 की 5-5 गोली प्रतिदिन सुबह लेना है और साथ ही में विटामिन सी युक्त फ्रूट्स जैसे आंवला, नींबू, संतरा और इसके अतिरिक्त और भी अन्य फ्रूट ले सकते हैं। साथ ही में कैल्शियम लेना है, जो कि पनीर, दूध, सलगम, बादाम में पाया जाता है। इसके साथ ही हल्दी का दूध, जिसमें कि कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स होते हैं। और साथ ही आपको लेना है तरल भोजन जैसे दलिया, दाल का पानी, हरी सब्जी, इन सभी का सेवन करना है आपको तरल भोजन का। तो ये सभी जो मैंने आपको बताया है, दवाइयाँ और विटामिन सी, कैल्शियम, हल्दी दूध एंड तरल भोजन, इन सभी को आपको लेना है। तो आप संक्रमित होने के बावजूद भी आप कोरोना संक्रमण से बच जाओगे, उसमें निजात पाने में आपको हेल्प मिलेगी।